जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो वी स्टार्ट क्लास फॉर्मली नाउ। तो आज हमारा डे वन है जो हमने सुपर 30 क्लास रखा है। तो इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम एडवांस लेवल की बात करें, क्योंकि ये क्लास जो है उन लोगों के लिए है जो CSS स्पेशल में बैठना चाह रहे हैं या CSS 2024 में उनको बैठना है। तो इट मीन्स के जो CSS स्पेशल में बैठेंगे या CSS 2024 में बैठने का सोच रहे हैं तो उनके बेसिक्स क्लियर हैं, उनके जो है ग्रामर वगैरह क्लियर है, तो इससे किस तरीके से बनता है तो उनको वो उस पर कमांड हासिल है। बट ये है कि उसको हम रिवाइज करें और अच्छे इससे आपसे प्रिपेयर करवाएं, ठीक है। और आपके जितने भी मॉक एग्जाम्स हों हो सकें वो हम लें, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी कंडक्ट हो और आपको होमवर्क असाइन हो ताकि वो आप प्रिपेयर करें और आपकी टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये हमारा पहला क्लास है तो हम ज्यादातर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएंगे ना। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में ये होगा कि आपसे काम करवाया जाए, ठीक है, कि आपको इन प्रैक्टिस प्रैक्टिस में लाया जाए। तो अब आपको प्रैक्टिस में लाना है तो उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर करना जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले ये जिक्र करेंगे कि हमारा है तो मॉड्यूल आज का जो अगर आप देखें उसमें हमारा जो जिक्र है वो तो पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में है, ठीक है। बट पाकिस्तान अफेयर्स पे आने से पहले हम क्या करेंगे कि आंसर राइटिंग स्किल को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम ताकि टेस्ट सीरीज में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और मॉक एग्जाम्स में भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, ताकि जो गलतियां हो वो मिनिमम हो और वो गलतियां सेट करके आप अपने मेन सब्जेक्ट मेन एग्जाम में चले जाएं, ठीक है। तो पाक अफेयर का भी आपको काम मिलेगा, बट ये है कि आज हमारा जो पहले हाफ में फोकस होगा वो आंसर राइटिंग पे होगा, ठीक है। तो अगर आप आंसर राइटिंग में देखें तो सबसे पहले आपने ये मैप्स वगैरह देनी है, ठीक है। अब ये मैं एक सेकंड जी, जी तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अक्सर लोग क्या करते हैं कि मैप्स वगैरह नहीं देते, तो आपने ये लाजिम देने, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन पिक्चर जो होती है स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। आप 1000 वर्ड्स लिखें और एक तस्वीर बनाएं, मीनिंगफुल तस्वीर, ठीक है, तो आपका काम हो जाता है। तो आप अगर ज्यादा कोशिश करेंगे मैप्स देने की और मैप्स के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करने की हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में, तो ये होगा कि वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। अगर आप ज्यादा मार्क्स हासिल करना चाह रहे हैं तो उसकी ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करनी है, आसानी करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हम कश्मीर का इशू है, कश्मीर से रिलेटेड टॉपिक है, तो हम फिरोजपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कश्मीर के अलावा फिरोजपुर का भी इशू है। तो अगर हम उसको बताएंगे कि ये एडजॉइन करता है लाहौर के साथ, तो जियोग्राफिकल हमारी जो है कनेक्टिविटी है इसके साथ। यहाँ अगर गुरदासपुर वाला हमने जिक्र करना है तो गुरदासपुर भी हम रिप्रेजेंट करें कि वो हमारे एरिया के साथ कहाँ पे टच अप ऑन करता है, और लोग हम जो है अपने मैप के थ्रू क्या करें, लोकेशन डिफाइन करें कि यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, ठीक है, झगड़ा है। तो अब आपने ये है कि आपके ऊपर कि आपने मैप लाजिम देनी है, ठीक। अब मैप में आप ये भी चीज देखें, ये एक ये नीलम वैली जो आप देखें, नीलम रिवर है जिसको हम किशन गंगा रिवर भी कहते हैं, तो वो किस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। और लाइन ऑफ कंट्रोल किस तरीके से जा रही है, मतलब ये कि दो साइड से है, एक साइड से ये इंडिया में है और दूसरी साइड से ये पाकिस्तान आजाद कश्मीर में है, ठीक है। अब ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक तरफ हमारे जो है नीलम रिवर है, उसकी दूसरी साइड किशन गंगा यानी नीलम जिसको कहते हैं, तो उसका पार्ट है। तो हमने ये यहाँ पे लोकेशंस बताई है कि किस तरीके से यहाँ से पावर हाउसेस बन रहे हैं, यहाँ पे बैराजेस बन रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से वाटर को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये है कि यहाँ से आपको पूरा पिक्चराइज हो रहा है कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान के पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब ये है कि आप किसी को वाटर डिस्प्यूट समझाएंगे, ये वाला वाटर डिस्प्यूट, तो वो काफी समझ जाएगा, क्योंकि उसको आपने लोकेशन पे जाके तो नहीं समझा सकते, बट ये है कि आप उसको लोकेशन का मैप बना के उसको समझा सकते हैं। पाकिस्तान का मैप है तो आप देखें, मुख्तलिफ जो आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। आप अगर सीपैक के मैप्स बनाएं, कहाँ से वेस्टर्न रूट, ईस्टर्न रूट, जो सेंट्रल रूट है कहाँ से जा रहे हैं, और डिस्प्यूटेड एरिया काश्कर, ये जो चाइना में आता है, तो किस तरीके से आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बगला डैम वाला इशू चल रहा है, ठीक है, दोदा डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इनको यहाँ पे मैप के थ्रू आप देखें किस तरीके से हेल्प हो। तो अब देखें कि ये मैप जो है ये बड़ा ही मशहूर मैप है, तो आप देखेंगे तो ये कश्मीर, ओ फलस्तीन एंड इसराइल से रिलेटेड है। आप देखें कि 1947 में या 48 में ये जो लाइनें हैं ये पूरा फलस्तीन है, ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद इनमें जो वार आई, वार के बाद ये हुआ कि वाइट वाला हिस्सा वो इसराइल ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी वार, उसमें क्या हुआ कि और इसराइल ने कंट्रोल कर दिया, ठीक है। और अब जाके देखें तो ये फलस्तीन इतना है, बल्कि इससे भी कम हो गया है, ठीक है। अब ये है कि वार्स हमेशा अरब कंट्रीज ने स्टार्ट की कि और कंट्रोल कर लें हम जमीन पे, बट ये है कि उन्होंने लूज कर दी जो इनके पास जमीन थी। तो अब आपको आइडिया होगा अच्छा कि पूरी लैंड जो है ये किसके पास है, फलस्तीन के पास है 1947-48 में। उसके बाद आज अगर देखें तो इससे भी कम है, ये जो एरिया अभी डिपिक्ट हो गई है ये भी 2000 वाले मैप। अब ये है जिस आपने डायग्राम्स ज्यादा देनी, अब डायग्राम्स में वही काम करते हैं। अब हर्ट का ये डायग्राम है, क्या हर्ट इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हर्ट का एक डिफरेंट शेप है ना, तो आपने देखें, बट ये है कि हर्ट को आपने उसका डायग्राम बनाया, तो आप इस तरीके से इनके बना सकते हैं कि ये लेफ्ट आट्रियम, राइट आट्रियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्री, राइट वेंट्री, कहाँ से ब्लड आ रही है, कौन सी वेसल है, यहाँ पे लंग्स हैं, यहाँ पे बॉडी है, तो पूरा आपने इसके फंक्शन को समझा दिया। तो अब डायग्राम्स भी आपने लाजिम देने हैं ताकि आप अपने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई बंदा ना दे और एक बंदा दे देता है, कंटेंट दोनों का एक इक्वल लेवल का है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या जो एग्जामिनर होगा वो इस वाले आंसर को मिनिमम एक मार्क्स तो ज्यादा देगा ही देगा, कहेगा यार इसने कोशिश की है समझाने की, ठीक है। उसके अलावा आप फ्लो चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं, इंटरवेंशन, ठीक है, कौन से टाइप से, मिलिट्री इंटरवेंशन हो गया, नॉन मिलिट्री इंटरवेंशन हो गया, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स आ गया मिलिट्री में, ठीक है, और नॉन मिलिट्री इंटरवेंशन में पॉलिटिकल इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, इकोनॉमिक इंटरवेंशन, ठीक है। अब FATF हमें कह रहा था कि ये चीजें करें वो चीजें करें, ये क्या थी? आप इसको इकोनॉमिक इंटरवेंशन कहें, पॉलिटिकल कहें, डिप्लोमेटिक कहें, ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसमें भी कोई शक नहीं। IMF क्या करती है? इकोनॉमिक इंटरवेंशन करती है, ठीक है। तो कंट्रीज ज्यादातर ये इंटरवेंशन, डेवलप कंट्रीज एक दूसरे के साथ ये इंटरवेंशन करती है। मिलिट्री इंटरवेंशन वहां पे ज्यादातर होती है जहाँ पे डेवलप कंट्रीज नॉन डेवलप कंट्रीज के साथ, मतलब डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हो उनके साथ इंटरवेंशन जब करते हैं, जैसे अफगानिस्तान ने कहाँ, और US ने कहाँ पे किया, अफगानिस्तान में अगर इंटरवेंशन की तो मिलिट्री इंटरवेंशन की, अगर उसको बर्तानिया या कनाडा में इंटरवेंशन करनी हो तो वो किस तरीके से करेगा, तो आपको पता है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करेगा। ये भी फ्लो चार्ट है। आप पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस बताना चाहते हैं कि सबसे पहले कि क्राइसिस आता है, आप कोई क्राइसिस नहीं, ठीक है, क्राइसिस हम लेते हैं कि पार्लियामेंट अटैक ऑन इंडिया, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमेसी एक्टिव होती है, ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद रिप्रोचमेंट आती है, मतलब सुलह की तरफ, तो डायलॉग आते हैं, और फिर डेडलॉग आ जाता है, ठीक है, मामला खराब, ठीक है। जिस तरीके से अभी आप देखें कि क्राइसिस चल रहा था फरवरी वाला, उसके बाद हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर था वो कहाँ गया, कि ये जो SCO वाला था, प्रोग्राम था जो
गोवा में बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे गए। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स ये कि आप यूनिलेटरल स्टेप्स लेते हैं, जिस तरीके से वाजपेयी साहब यहाँ पे आ गए थे बस डिप्लोमेसी लेके, ठीक है। तो उसके बाद रिप्रोचमेंट होती है, डायलॉग लोअर लेवल पे डायलॉग, फिर मिड लेवल पे डायलॉग, उसके बाद सीनियर लेवल पे डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई फिर इशू आ गया, फिर डायलॉग होता है। तो ये विशेष साइकिल है जिसके इर्द गिर्द हमारे तमाम रिलेशंस घूमते हैं, नॉट ओनली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बट अराउंड द कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। किसी में ये साइकिल फास्ट होती है, ठीक है, किसी में ये साइकिल स्लो होती है। आप ये कहें कि कैनेडा एंड यूएस में नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे उनमें भी हुआ होगा, बट ये कि वो साइकिल स्लो है, ठीक है, वहां पे इश्यूज नहीं है, वहां पे क्राइसिस नहीं है, तो साइकिल स्लो हो जाता है। कोई भी पॉइंट इसमें जो है स्लो हो जाए, आप देखें साउथ नॉर्थ कोरिया है तो 1.5 लाख वाली स्लो है, वो 1.5 लाख से इधर उधर हो ही नहीं रहा, तो फिर इस साइकिल में आ ही नहीं रहा, ठीक है। इस तरीके के आप देखें फ्लो चार्ट सेनेट वोटिंग से रिलेटेड है, कि आप अगर कहें कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस किस तरीके से होता है, पहले रिजोल्यूशन होगा, उसके बाद कमेटी वोट होगा, उसके बाद हाउस वोट होगा, उसके बाद हियरिंग होगी, उसके बाद रिपोर्ट होगा, उसके बाद फुल हाउस वोट होगा, उसके बाद सेनेट ट्रायल होगा, उसके बाद सेनेट वोटिंग होगा। 9 स्टेप्स हैं। अब 9 स्टेप आप इस लिखें, स्टेप 1 वो भी कर सकते हैं, टेक्निक है ना, स्टेप 1 ये जो है रिजोल्यूशन, फिर उसको थोड़ा बयान करें तो वो भी कर सकते हो। अगर बस पैराग्राफ की शक्ल में इस 9 के 9 को मिला के लिखेंगे, इट वुड नॉट बी इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, टेक्निक्स हैं। अगर आपको मेजर ये हिस्सा है आपके जो है क्वेश्चन का, तो फिर जो है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इन डिटेलिंग। अगर आपको कहते हैं कि मेजर हिस्सा नहीं है, पैराग्राफ एक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो, तो फिर आप इसको फ्लो डायग्राम में या फ्लो चार्ट में चले जाएं, ठीक है। अगर स्टेप 1 स्टेप 2 वाला काम करेंगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा, या एक एक को फिर इलाबोरेट करें। सिर्फ सेनेट वोटिंग पे तो क्वेश्चन नहीं, ठीक है, या सेनेट पे तो क्वेश्चन नहीं, सेनेट वोटिंग कह रहा, इम्पीचमेंट पे तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं है। अगर सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस पे, तो आप एक एक इलाबोरेट करें। तो यहाँ पे देखें सेनेट वोटिंग ये इलाबोरेटेड, ठीक है, सेनेट ट्रायल्स या वोटिंग वगैरह जो होगी, सेनेट वोटिंग 8 पे, तो यहाँ पे 8 पे मतलब ये है कि हमने एक एक को इलाबोरेट करते हैं, आखिर में इसको सम अप कर दिया आपने इस तरीके से। तो ये आंसर राइटिंग में आप जरूर अपने आंसर राइटिंग को बड़ा खूबसूरत बनाए। कभी कभी आप क्या करें कि आंसर राइटिंग में बुलेट पॉइंट्स लिखें। बुलेट पॉइंट्स इसीलिए लिखे जाते हैं कि आपके पास कंटेंट ज्यादा है, टाइम भी कम है और स्पेस भी कम है। जब टाइम आपके पास कम है और आपके पास स्पेस भी कम है, तो आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी आप डिस्कस भी करना चाह रहे हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स में दे दें, ठीक है। तो आपने फिर इसको बुलेट पॉइंट्स में दें, तो फिर आपका काम भी हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और थोड़ी स्पेस में आ जाएगा। इट इज डिवाइडेड इंटू 4 ड्रॉस आर पार्ट्स, द अपर 2 आर राइट आट्रियम लेफ्ट आट्रियम, द लोअर 2 आर राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज 4 वेल्व्स, ठीक है, बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड एरोटिक वेल्व पल्मोनरी वेव, ठीक है, इट इज आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन्स, ठीक है, इट ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी। तो आपने इसके थोड़े फीचर्स जल्दी जल्दी बताए, ठीक है। तो अब आप अगर कहेंगे कि इन डिटेल पैराग्राफ में लिखूंगा तो वो समझ में भी नहीं आएगा, डिटेल भी ज्यादा हो जाएगी, तो मैं बुलेट पॉइंट में बताता हूँ, इसको नंबर भी दें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हमेशा प्रिपेयर हो आपका, जब भी आप टॉपिक के नोट्स बनाएं तो आप अपने इंट्रोडक्शन अच्छे प्रिपेयर करें, ठीक है। प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन, अच्छे प्रिपेयर करेंगे तो आप अच्छे तरीके से इनको लिख पाएंगे, ठीक। अब ये है कि आप कहेंगे सर वो क्वेश्चन ना आए, तो वो आपका फिर मोल्ड हो जाता है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि आप हमेशा कोटेशन से स्टार्ट करें या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें या किसी डेटा से स्टार्ट करें, बट आपने इस तरीके से करना, ठीक है। अब अफगान इशू से रिलेटेड है, तो इसमें ये दिया गया है कि वी आर मेकिंग अ स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस। किसने, ज़ल्मे खलीलज़ाद, उस वक्त मशहूर था, शायद आपने नाम नहीं सुना, उस वक्त अखबारात की सुर्खियां बना फिरता था। ये अब अबाउट किसके बारे में कह रहा है,
अफगान पीस टॉक के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप पैराग्राफ की तरह शुरू करें, एक वर्ड का गैप दें, ये चीजें माना रखती हैं। उसके बाद पूरा 10-12 लाइंस का लिखिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब इंट्रोडक्शन बनाएं तो थोड़ा जनरल हो और पूरे क्वेश्चन को क्या करें, इलाबोरेट करें। उसके बाद आपने ये करना है कि इंट्रोडक्शन ये देखें इस तरीके से, सेम ही तरीका, यहाँ पे एक ही गैप हुई, ठीक है। यहाँ पे देखें, अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ लैंडमार्क मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो आपने लिख लिया। तो ताकि आपका आंसर खूबसूरत लगे, ये इस्लामियात का है, तो आप देखें मैंने एक कोई हदीस दे दिए या वर्स दे दें, कैला यकून दौलतम बैन अल अगनिया इमिनकुम, या बुनियल इस्लाम अला खमसिन, ठीक है। इस्लाम का बुनियाद पांच चीज़ों पे है, शहादतिन अल्लाह इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही देना के अल्लाह एक है एंड मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, व इकाम सलात, अगर लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आएगा, नमाज को कायम करना, व ईता ज़कात, ज़कात देना, वल हज, हज करना, व सौम रमज़ान, ठीक है, और रमज़ान के रोज़े रखना। तो उसकी आपने ट्रांसलेशन दे दी, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें। उसके अलावा आपने जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स देनी है वो हमेशा कोशिश करें फ्रेज फॉर्म में दें, हेडिंग्स ना भी दें तो सब हेडिंग्स जरूर फ्रेज फॉर्म में दें। पुअर लिटरेसी रेट, पोलैंड दे दिया, इसको डिस्क्राइब किया, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस मासेस नॉट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो अब ये हुआ, ये फ्रेज बन गया, ठीक। और हर पैराग्राफ गैप से शुरू करना। अब देखें ये मेन हेडिंग है, तो व्हाट कुड बी द प्रोबेबल सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, ठीक है। तो अब सब हेडिंग इसमें हमने फ्रेज में दिए कि रेफरेंडम द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये वाला अल्फाज अगर हम कोलन के इस तरफ लिखते हैं तो मेन हेडिंग होती है और इस तरीके वाला उसकी डिस्क्रिप्शन होता है। रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या करेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देगा, ठीक है। और सेल्फ हेल्प फ्रेज में देखें, सेल्फ हेल्प अ प्रिंसिपल ऑफ एनार्किक वर्ल्ड, ये आईआर का टॉपिक में से लिया गया है कि सेल्फ हेल्प आपको हमेशा करनी पड़ेगी क्योंकि ये वर्ल्ड एनार्किक है, यहाँ पे कोई किसी की हेल्प में नहीं आता। एनार्किक में आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, दो अल्फाज होते हैं, एक हायरार्किकल, दूसरा होता है एनार्किकल, ठीक है। हायरार्किकल क्या करता है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, कि जैसे हमारा सिस्टम डोमेस्टिक सिस्टम क्या है, हायरार्की पे है, ऊपर जो है प्रेसिडेंट या अब एग्जीक्यूटिव के ऊपर आए तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ठीक है, तो उसके नीचे पूरा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, चीफ मिनिस्टर के अंडर नीचे प्यान तक एक पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। आपको कोई तंग करता है तो आपके इदारे हैं, आपको कोई क्रिमिनल इशू है तो आप पुलिस को अप्रोच करें, आपके साथ सर्विसेज के इशूज हैं सर्विस ट्रिब्यूनल्स में जाएं, तो मतलब पूरा मैकेनिज्म। एनार्किकल में क्या होता है कि ऑल द पीपल या ऑल द स्टेट्स, ऑल द एंटिटीज आर इक्वल इन स्टेटस, तो उसमें कोई किसी का ऊपर नहीं होता, तो आपको अपने ही दम पे जो है हर चीज करना होता है। तो सब कंट्रीज इंडिपेंडेंट है, कोई भी सुपर कंट्री नहीं है, कोई भी वर्ल्ड पावर या वर्ल्ड गवर्नमेंट में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे देखें, पावर अ टूल फॉर सेफ गार्डिंग एंटिटी, तो ये दिखाने का मकसद कि आपने अपने जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, आपने किस में देनी है, फ्रेज फॉर्म में देनी है, ठीक है। तो अब आप फ्रेज फॉर्म में देंगे तभी आपके अच्छे आंसर्स आप लिख पाएंगे। और उसके अलावा आपने केस स्टडीज देनी है। अब केस स्टडीज में क्या फर्क है और एग्जाम्पल में, केस स्टडी थोड़ी डिटेल होती है और उसको हम यूज करते हैं उस इशू को सॉल्व करने के लिए, नंबर वन। दूसरा ये कि केस स्टडी आपके जो है टाइम एंड स्पेस उसका सेम होता है, ठीक है। टाइम एंड स्पेस मतलब ये है कि उसी पीरियड में या उन्हीं हालातों में वो इशू हुआ हुआ होता है और उसको उस तरीके से सॉल्व किया गया है, तो आप भी अपने इशू को उसको एग्जाम्पलीफाई करके इसको सॉल्व करें। अब ईस्ट तैमूर वे जो है पुर्तगीज कॉलोनी रही है, तो इसकी इंडिपेंडेंस का इशू रहा है, इंडोनेशिया ने इसको कंट्रोल किया हुआ था, फिर ये जो है
ट्रस्टीशिप काउंसिल में चला गया, यूएन की एक ट्रस्टीशिप बॉडी भी है, काउंसिल है, आजकल तो डॉर्मेंट है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद बड़ी एक्टिव थी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने इसको संभाला। तो अब ये है कि हम रिफर कर रहे हैं कि कश्मीर को भी इस तरीके से करें, ट्रस्टीशिप काउंसिल में दें, कोई इंडिपेंडेंट कंट्री इसको संभाले, और उसके बाद आप क्या करें, रेफरेंडम करा दें, जिस तरीके से ईस्ट तिमोर का, कि ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया के साथ रहना चाह रहा था या इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे भी हो जाए कि क्या पाकिस्तान के साथ रहेगा या इंडिया के साथ रहेगा या फिर इंडिपेंडेंट रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन में आ चुका है, क्योंकि एक बुक है उस पर कश्मीर पे, आई थिंक ओवन बॉनेट का है या स्टीफन का है, तो उसमें आखिर में ये दिया गया हुआ था कि इसको ईस्ट तिमोर चेचनिया के मुताबिक हम हल कर सकते हैं। तो आप अगर डेली डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ग्लोबल अफेयर्स को पढ़ते हैं, तो आपको फिर ये इश्यूज तंग नहीं करेंगे। बट ये है कि आपको रिकमेंडेड रीडिंग्स हमेशा क्वालिटी बुक्स पढ़ने, क्योंकि लोकल बुक्स में ऐसी चीजें नहीं आती। और आजकल आप 2019 ऑनवर्ड देख रहे हैं, पेपर्स जो है वेरी डेंजरस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है। तो अब ईस्ट तिमोर केस किस तरीके से कश्मीर में इशू करेंगे और यूज करेंगे, तो अब आपके सामने है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर भी की जाएगी, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना। यहाँ पे भी गैस देगी, तो ये आइला से लिया गया है पॉइंट। तो अब ये नहीं है कि पाकिस्तान अफेयर में आप नहीं कर, हर जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। एंग्लो नॉर्वे फिशरीज केस, तो अब ये है कि हमने इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी, फिर इसकी जजमेंट दी, कहाँ पे इशू आया, फिर उसका रिजल्ट दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो आप इसको जिस तरीके से बनाए, ठीक है। बट ये उसको अप्लाई करना है उस सिचुएशन के मुताबिक। एग्जाम्पल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, आप उनको उनसे रिलेटेड आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, डेटा देनी होती है, रिपोर्ट देनी होती है, बट उस पर अप्लाई नहीं करते। ये कोई डिफरेंट टॉपिक की इंफॉर्मेशन नहीं है, केस स्टडी एक डिफरेंट टॉपिक की इंफॉर्मेशन है, इवन जो क्वेश्चन में भी नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, बट एक दूसरी जगह से आपने इंफॉर्मेशन लेके आई, दूसरी जगह पे अप्लाई हो रहा था, वहां से लेके इसके साथ अटैच करके इस पे अप्लाई किया। एग्जाम्पल का थोड़ा डिफरेंट है, एग्जाम्पल इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यूएन सेशन एवरी ईयर, ठीक है, इन सेप्टेम्बर रिसेंट कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस वगैरह, हम समिट डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि समिट डिप्लोमेसी के, आई थिंक IR का IR में ही आता है, बाकी जगहों पे भी आ रहा है, तो डॉन न्यूज पेपर में भी कई बार आया है समिट डिप्लोमेसी, ठीक है। वो किस तरीके से होती है, सारे कंट्रीज कन्वीन होते हैं एक मीटिंग, तो वहां पे डिस्कशन, या कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस, या आप ये कहें कि जो SCO की मीटिंग हुई थी वो भी समिट थी, ठीक है। OIC, SAARC, आसियान, जो अदर जो हैं आप देखें, ये जो बिग कंट्रीज की जिसमें मोर देन 2-3 कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं, तो वहां पे ये समिट डिप्लोमेसी चलती है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आप देखें कि अभी IMF ने हमें पैसा दिया, सऊदी हमें पैसा देता है, UAE हमें पैसा देता है, ये क्या है। अब जितने इनके आप टाइप्स डिफाइन करते जाएं, क्रिकेट डिप्लोमेसी लोग कहते हैं, गनबोट डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक, तो बहुत सारे गनबोट आ भी गया कि उसमें आप क्या करते हैं, है तो डिप्लोमेसी, यूज ऑफ डायलॉग होता है, बट यहाँ पे आप क्या करते हैं, उसको थ्रेट करते हैं, उसको आप मतलब फोर्स करते हैं, तो हम ये कर देंगे, धमकाते हैं, तो आपने इस तरीके से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स यूज करने हैं अपने, ठीक है। तो आप सिर्फ अलग एग्जाम्पल में अंदर भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ फिनलैंड इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, वेयर लिटरेसी रेट इज 100% एंड करप्शन 0%, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोटेशन दे सकते हैं। कोटेशन से मुराद के आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो एक तो हम इंट्रोडक्शन के ऊपर देखा था, तो उसको छोड़ दें, वहां पे डेटा भी दे सकते हैं, रिपोर्ट भी दे सकते हैं। कोटेशन मतलब ये है कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आप कहीं पे भी दे सकते हैं, क्वेश्चन के बीच में, शुरुआत में, एंड पे, आप हर जगह पे दे सकते हैं। ये इस्लामियात पे मैंने रखा हुआ है कि आप देखें कि ये हेडिंग के बीच में है, ठीक है, तो फिर उसकी मीनिंग वगैरह भी आपने देनी होती है कि इन्नमस सदकात
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والعالمين. तो उसकी ये मीनिंग है कि ज़कात इज़ फॉर द पुअर द नीडी द कलेक्टर्स ऑफ ज़कात जो ज़कात को कलेक्ट करते हैं फॉर डाइंग बाय ब्रिंगिंग हर्ड्स टुगेदर फॉर फ्रीइंग कैप्टिव्स ठीक है एंड फॉर डेटर्स इन द वे ऑफ अल्लाह एंड फॉर द पर्संस अनजर्नी जो मुसाफिर हैं. तो आप इस तरीके से बीच में ये लिख सकते हैं ठीक है. तो डेटा और रिपोर्ट तो आप इस तरीके से डेटा भी दे सकते हैं वो भी कोटेशन की तरह आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. आप देखें अकॉर्डिंग टू डी जी नेब सिंध के पर ईयर 400 मिलियन डॉलर्स फ्लाई फ्रॉम कंट्री थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स. तो आप इस तरीके के मुख्तलिफ डेटा एंड रिपोर्ट्स आप दे सकते हैं आपको देना चाहिए. उसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस सबसे पहले आपको मैं यह बात बताऊँ कि कुछ लोग शायद ऐसे वाले होंगे तो उनको पता होगा जिस तरीके से हम ऐसे में डेफिनेशन की प्लेस होती है सेकंड पैराग्राफ ठीक है. तो इसी तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस का जो पैराग्राफ है उसकी जो प्लेस होती है वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ जस्ट बिफोर कंक्लूजन ठीक है. सेकंड लास्ट पैराग्राफ जस्ट बिफोर कंक्लूजन ठीक है. तो आपने ये देना है. तो अब ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए. इसकी लेंथ ये नहीं कि आपने एक लाइन का लगा दिया तो ये गलत होता है. हम जज्बात में करते हैं इम्प्रेशन गलत देता है कि आप टाइम पूरा नहीं कर पा रहे थे ठीक है. तो इसकी लेंथ कंक्लूजन जितनी होनी चाहिए कंक्लूजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए थोड़ी कम हो तो फिर भी समझ जाते. अब क्रिटिकल एनालिसिस देने का मकसद क्या है उन क्वेश्चन में जहाँ पे थोड़ा करंट अफेयर रिलेटेड हो या जिनमें आप समझते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन आप जो हैं उस पर अपना ओपिनियन जरूर दें. क्रिटिकल एनालिसिस इज योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक. उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि टॉपिक के सीपैक पुराना है बट ये के जहन में आ गया कि सीपैक गेम चेंजर है फॉर पाकिस्तान. तो आपने गुण बताए कि किस तरीके से गेम चेंजर. क्रिटिकल एनालिसिस लिखा कि अगर पाकिस्तान ने ये चीजें की करप्शन को मिनिमाइज किया इंटरेस्ट दिखाया प्रोजेक्ट में तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा और पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज कर सकता है. अगर वही हरकत पाकिस्तान और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सिविल हो मिलिट्री हो जो भी हो करप्शन हो अगर ये चीजें चलती रही इनमें कोई इशू नहीं आया मतलब इनको कोई रोकने वाला नहीं आया तो ये प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज नहीं करेगा पाकिस्तान को तबाह कर देगा. तो आपने दो कंडीशंस बताई ठीक है. तो आपने ओपिनियन दिया. अब आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि वो अपने घर का ऑर्डर मेंटेन करे ठीक है. तो ये आपका ओपिनियन है कि ये सिर्फ गेम चेंजर नहीं है ये उबलता हुआ पानी है या आपको नुकसान भी दे सकता है ठीक. उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखी. कंक्लूजन के बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस नहीं देना इट इज नॉट द प्रॉपर प्लेस ठीक है. तो अभी सबके यहाँ आई थिंक नमाज का टाइम हुआ है तो जी नूरुलहुदा. तो हम अभी जो हैं वापस आते हैं 7:25 पे ठीक है. नमाज पहले है तो आई होप के थोड़ा पीछे जाएं क्योंकि कुछ लोग होंगे. तो ये थोड़ा मैं आपको जल्दी बताऊं कि कंक्लूजन आपने हमेशा इंट्रोडक्शन से लेंथ ज्यादा कम रखनी है और क्रिटिकल एनालिसिस से कम रखनी है ठीक है. तो बाकी कोई किसी को अलाउ मैं वैसे भी नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग की तो मैं खुद शेयर कर दूंगा सो डोंट ट्राई प्लीज. उसके बाद आपने ये करना है कि कभी भी आपने इस तरीके से आउटलाइन नहीं बनानी क्योंकि एक तो आपसे पूछा नहीं गया दूसरा अगर बनाएंगे तो आप अपने 5 मिनट्स वेस्ट करेंगे क्योंकि 35 मिनट्स में तो आपने क्वेश्चन करना होता है ठीक है. अगर नहीं करेंगे 40 में करेंगे तो फिर रिवीजन क्या करेंगे रिवीजन नहीं करेंगे तो स्ट्रेट अवे लो मार्क्स आएंगे. और अगर आपसे पूछा नहीं गया फिर आप किस तरीके से करते हैं ऐसे में तो हमसे पूछा जाता है तभी हम आउटलाइन बनाते हैं ठीक है. तो दूसरा ये कि आपका टाइम एक टाइम वेस्ट होगा दूसरा ये कि आप खुद को यहाँ पे एक्सपोज कर दें कि इधर यहाँ पे कांटा लगा दे यहाँ पे फेल कर दे ठीक है.
उसके अलावा डिफरेंट शेयर की बात आती है, तो आप दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लाइन खींचें और एक पॉइंट इसकी, एक पॉइंट इसकी, दूसरी पॉइंट इसकी, दूसरी पॉइंट इसकी, तीसरी पॉइंट इसकी, तीसरी पॉइंट इसकी डिस्कस करते जाएं। या तो फिर दूसरा तरीका है कि पॉइंट नंबर वन मिसाल के तौर पर यहाँ पे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल की लिखें, फिर एनिमल सेल की लिखें, फिर दूसरी पॉइंट प्लांट सेल की लिखें, फिर एनिमल सेल की लिखें, तो मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आप चल जाएंगे। तो दोनों मेथड्स उतने ही इफेक्टिव हैं, ये नहीं कि ये मेथड अच्छा है वो मेथड बुरा है, तो दोनों उतने ही इफेक्टिव हैं एज लॉन्ग एज आपका कंटेंट क्वालिटी है। डिस्क्राइब में क्या होता है, सिंपल आपने डिस्क्राइब करना होता है क्वेश्चन को और ज्यादा टाइम आपने वेस्ट नहीं करना होता, ठीक है, क्या चीज है उसके फीचर्स वगैरह हर चीज डिस्क्राइब करें, ठीक है। जिस तरीके से आपने हेड को डिस्क्राइब करना, तो अब यह है कि अगर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हेड एनिमल की प्लांट के साथ, ओ एनिमल की जो है इंसानों के साथ, तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्रिटिकली एनालाइज, तो जब आप क्रिटिकली एनालाइज, पूरा क्वेश्चन क्रिटिकल एनालाइज आ गया, तो इसमें क्रिटिकल एनालिसिस देने की क्या जरूरत होगी, ठीक है। एक गिलास पानी अगर नहर में डाल दें कोई, इस पर फर्क पड़ेगा, वो एक्टिविटी अजीब सी लगेगी ना, तो आपने ये क्रिटिकल एनालिसिस वाला पैराग्राफ यहाँ देने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही सोच रहे होंगे कि देने की जरूरत ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज है, तो हर पैराग्राफ, हर हेडिंग, हर सब हेडिंग में आपने अपना ओपिनियन देना है, ठीक है, उसको एवेल्युएट करना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपने सिंपल लिखना है कि उसके बारे में हु के क्वेश्चन को जवाब देना है, व्हाट क्वेश्चन का, वेयर विद, मतलब सिंपल फीचर्स। एनालिसिस में थोड़ा डीपर डाउन जाना है कि किस तरीके से ये चीज हो रही है और क्यों हो रही है, ठीक है, अगर हो रही है तो क्या इफेक्ट है, नहीं होगी तो क्या होगा, तो इवेल्युएशन में और ज्यादा डीपर डाउन जाते हैं। तो इसमें ये करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो ये चीजें सारी इसमें क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आ जाते हैं, इवेल्युएट करें, क्रिटिकल एनालाइज करें, डिस्क्रिप्ट करें, एलुसिएट सीडेट करें, तो बाकी कमेंट करें, कमेंट में अपना ओपिनियन दें। तो अब पाकिस्तान अफेयर पे आते हैं, वो तो जनरल बातें हो गई कि आपने आंसर किस तरीके से करना होता है। तो अब आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ, तो आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है। कुछ लोग होंगे, मैंने वीडियो भी इस पे बनाया हुआ है काफी अरसे थे और इस वीडियो पे काफी हजार हजारों लोगों ने देखा हुआ है, तो बट ये है कि मैं आपको यहाँ पे इन डिटेल बता दूं। अब ये है कि 2016-15 के बाद 2016 में सिलेबस चेंज हुआ सीएसएस का। अब 2015-14-13-12 में लोग तैयारी कर रहे थे, सिलेबस चेंज हुआ, बट इन्होंने 50% सिलेबस चेंज किया, और जो 2016 में पेपर्स आए वो 50% सिलेबस चेंज में से आए और 50% इन्होंने पुराने से क्वेश्चन दे दिया, तो 75% मतलब पुराने से। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने शिफ्ट मारी जो 2019 में विजिबल शिफ्ट थी। 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कितने साल हो गए, 7-8 इनके आपने क्वेश्चन पेपर निकालने हैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है। अब यह है कि 8 साल में हर साल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 7 क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज, उसके बाद बाकी 7 क्वेश्चंस आते हैं 2 से लेकर 8 तक, वो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब ये है कि आपने एक टॉपिक 2016 में से उठाया क्वेश्चन, वो आपने यहाँ पे लिखा, ठीक, तो वो आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन गैप देके फिर यहाँ पे लिखा, तीसरा गैप देके, चौथा गैप देके, पांचवा गैप देके, छठा, उसके बाद सातवां लिखा गैप देके, आठवां गैप, 7 क्वेश्चन से यहाँ तक आए। 2017 का पेपर लें, उसके बाद उसमें से देखें कोई टॉपिक इसके साथ मैच हो रहा है, नहीं हुआ तो 8वें नंबर पे लिखें, उनका जो तीसरा क्वेश्चन है इसके पहले क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है वहां पे लिखें, इनका जो है फिर मैच नहीं हुआ 9वां, ठीक है, उनका फिर 5वां कोई क्वेश्चन इसके तीसरे क्वेश्चन के साथ हो रहा है, तो इस तरीके से करें। इसी तरीके से 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 तकरीबन आपके 23-24 टॉपिक्स बन जाएंगे। अब आपने जो आपका बड़ा सिलेबस था, जो सीएसएस का सिलेबस था, जो इतना ओवर जनरलाइज था, जो आपको तंग करता है कि अगर आपने ये कहा कि मुझे आउटलाइन जो सिलेबस की है वही उसके नोट्स बनाने हैं, तो कभी नहीं बना पाएंगे। तो अब आपने ये करना है कि 23, 24 जो टॉपिक्स हैं आप इनको उठाना है,
2015 पुराना सिलेबस 2000 तक, ये 16 साल हो गए। अब आपने क्या करना है, उन 23 या 24 या 25 टॉपिक्स को इनमें ढूंढना है, न्यू टॉपिक नहीं। जो 50% हमारा नया सिलेबस है वो तो 2016 17 में डिस्कस हो गया। अब कुछ जो 50% पुराना सिलेबस रह गया था उसको इवेल्युएट करें 2015 से 2020। मिसाल के तौर पे सर सैयद अहमद खान क्वेश्चन आया था 2017 में, उसके बाद मिसाल कह रहा हूँ 2023 में। अब ये तो पुराने में भी है, 2007 में भी है, 2000 में भी है, 4 बार रिपीट हुआ है। अब आपके पास ये सारी एंगल है, एग्जामिनर ने 24 साल में जितना सर सैयद को तोड़ मरोड़ सकता था कर दिया, अब इससे आगे नहीं जाएगा। अब इन क्वेश्चन को हमने बनाना है, यही हमारा टॉपिक बन गया। अब कहाँ से बनाना है वो बात बैठ की है। अभी ये तो अभी ये मेरे पास, मुझे जो अभी टेंटेटिव नोट्स मेकिंग प्लान मुझे मिला अपने नोट्स का जो पड़े हुए थे, हर में है कहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं, कहाँ पे मैंने जो पहले बनाया फिर सब्जेक्ट शुरू किया, तो मुख्तलिफ टेक्निक्स फॉलो करते रहे, कहाँ पे सिर्फ टॉपिक का बनाया फिर दूसरे टॉपिक का फिर तीसरे टॉपिक का, इस तरीके से। अब ये कि आप देखें तो पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे, उसके बाद डिफाइनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे, स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मैंने ये टॉपिक्स बना के जाए। उसके बाद मैं 2016 के पेपर को देखा, अगर इसमें आ रहा है तो वो लिख लिया, नहीं तो छोड़ दिया। फिर दो इस तरीके से हर टॉपिक, इसी तरीके से क्या हो गया कि मेरे ये टॉपिक्स निकल आए। अब मेरे पास कितने बचे, 15-16 टॉपिक्स आ गए। अब मुझे ये टॉपिक्स तकरीबन फिर भी आपके 23-24 टॉपिक ही हो जाएंगे क्योंकि काफी हो गए हैं पेपर, तो आपने तीसरा अमल क्या करना है, नंबरिंग देनी है। जो मोस्ट रिपीटेड है उसको नंबर 1 देना है, जो लीस्ट रिपीटेड है उसको आखिरी नंबर देना है, जो सेकंड रिपीटेड है उसको सेकंड, थर्ड रिपीटेड थर्ड, आखिर में 5 से 6 टॉपिक ऐसे होंगे जो एक एक बार रिपीट होंगे। तो अब वो एक एक बार क्यों आए हैं, मिसाल के तौर पे आप देखें 2008 और 9 में इंडिया एंड यूएस की न्यूक्लियर डील हुई थी, या सीपेक का क्वेश्चन आता था 2015-16 में, या ईरान न्यूक्लियर डील आई थी यूएस के साथ, तो कुछ टॉपिक सिचुएशनल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कश्मीर का इशू डारमेंट हो गया था तो 370 एंड 35 ए के बाद, पलस्तीन का इशू डारमेंट हो गया था अब्राहम अकॉर्ड के बाद, तो फिर शिफ्ट आते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम चेंज करके जो अब सिचुएशंस चल रही हैं हम उनमें उनको देख लेंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपने ये करना है। अब ये कि आपके टॉपिक्स बन गए, अब आपने क्या करना है कि जो आपको रिकमेंडेड रीडिंग एफपीएससी ने सिलेबस में दी है, तो आपने कंपलसरी और जो आपके ऑप्शनल हैं उनके सिलेबस की प्रिंट निकलवा के आप रखें अपने साथ, और जो सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके क्वेश्चन पेपर्स आप 2000 से लेके 2023 तक, वो नहीं करते तो 2016 से आपके पास होने चाहिए लाजिम, वो तो आपने बना नहीं बनाने, 2000 से लेके 2015 तक तो वो सिलेक्टिव बनानी है, ठीक। ये आपके पास जब नोट्स बना रहे हैं, जब सब्जेक्ट पढ़े आपके पास नहीं है तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हार्ड कॉपी में ना हो सॉफ्ट में ही हो आप उनको देख के। अब यह कि रिकमेंडेड रीडिंग हर सिलेबस के बाद एफपीएससी का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ था, तो उनको आपने जेल लाइब्रेरी से डाउनलोड करना, अगर किसी के पास नहीं है तो वो मैं लिंक शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जेल लाइब्रेरी एफबीआई बैन कर देता है, उसके बाद ये डोमेन चेंज करते रहते हैं, मेरे पास रिसेंट डोमेन है आई होप के। तो रिकमेंडेड रीडिंग्स वहां से डाउनलोड करें, टॉपिक बना रहे हैं सर सैयद अहमद खान तो आपने बुक से ही अंदाजा हो जाता है, फिर बुक डाउनलोड करें और देखें कि क्या उसमें टॉपिक है, टॉपिक है तो वहां से पढ़ते जाएं, उसको फुट नोट साइड नोट बनाते जाएं, आखिर में वहां से मटेरियल निकालें। अगर आपको लगता है कि सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए हैं तो वेल एंड गुड, नोट्स बन गए, अगर नहीं तो दूसरा बुक उठाए, अगर वो भी नहीं मिला ऑनलाइन चले जाएं बेहतरीन वेबसाइट्स, कुछ वेबसाइट्स में आपको बता देता history.com, ब्रिटेनिका, थाट को, खान अकेडमी, सबसे पहले इसके जो कमेंट्स हैं आपने लाजिम पढ़ना है हर टॉपिक के नीचे, history.gov.us, कुछ यूएस हिस्ट्री के लिए, बाकियों के लिए ग्लोबल। तो अब खान अकेडमी, history.com, ब्रिटेनिका, थाट को, 4 वेबसाइट्स, कभी कभी आप विकिपीडिया से भी हेल्प ले सकते हैं बट जरूरी नहीं है ये। तो खान अकेडमी के अगर आप कमेंट्स पे पढ़ेंगे तो आपका अच्छे खासे जो मसले मसाइल होंगे हल हो जाएंगे। उसके बाद अगर फिर भी क्लियर नहीं होता, बुक आपको नहीं मिल रहा, रिसर्च पेपर डाउनलोड करें, रिसर्च पेपर में रिसर्च गेट के आपको फ्री में मिल जाएंगे, जे स्टोर, जे एस टी ओ आर ई नहीं है, तो आप
ये पैसों में पढ़ेंगे या कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन है तो वहां पे आपको ये फ्री में मिलेंगे, या ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी अगर नहीं है फिर भी, तो आप क्या करें, इसका टाइटल कॉपी करें, जेर लाइब्रेरी में चले जाएं, वहां से फ्री में डाउनलोड करें। उसमें नहीं मिल रहा तो ये वेबसाइट है jin.lib.rus.ec, वहां से डाउनलोड करें तो आपको मिल जाएगा, आप निकले तलाश करें। रेनाउंड वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी, ठीक है, तो आपके नोट्स बन गए। अब प्री पार्टीशन वैसे ही आजकल 2016 के बाद इतना नहीं आ रहा, तो हमने फोकस भी नहीं करना। हम इतने बुरे हैं, इतने हार्ड लक वाले हैं कि हमारे बाहर आ गया तो देख लेंगे ऑप्शंस में, क्यों परेशानी है। तो क्रिटिकली इवेल्युएट द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, अलामा इकबाल देखें 2018 में आया, 2018 में 3 जून प्लान आया है। जी जी मैं बक्तावर शेयर कर लूँ। उसके बाद देखें 2019 में ये है, क्रिटिकली एग्जामाइन दी मिनिस्ट्री, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937, तो क्वेश्चन में 73 है वो गलत है, तो कांग्रेस मिनिस्ट्री रही 2 साल है, 1937 और 1939 तक। हाउ फार इट इज करेक्ट टू सजेस्ट दैट इट पेव्ड द वे फॉर सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इन इंडिया, ठीक है, हाउ फार मतलब आपने एनालिसिस ही करना है। हाउ, अब देखिए ना हाउ क्वेश्चन किस में था, अब मैं आपको दिखाऊँ। सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको कहेगा कि क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे, आपका एनालिसिस आ गया ना आपके सामने ये, तो अब हाउ पार्ट मतलब आपने एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अब आप देखें आपके सामने आ गया, ठीक। उसके बाद 2020 में देखें शेख अहमद सरान जी का क्वेश्चन, और उसके बाद 2023 में देखें डिटेल सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ कैरिश्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द लीडर ऑफ इंडियन मुस्लिम ड्यूरिंग दी वगैरह जो भी है, ठीक है, तो आप देखें। तो अब 21 और 22 में तो शायद आया ही नहीं, तो फिर भी आप अगर डर रहे हैं तो आपने इस तरीके से बनाए शाह वलीला के ये आस्पेक्ट हैं, इससे तो बाहर कभी आया ही नहीं। 2016 में देखें, मैंने कहा कि मैंने एक एक टॉपिक के भी अलग बनाए हुए, किस तरीके से 2016 में आया, गिवन अकाउंट ऑफ लाइफ एंड सर्विसेज ऑफ शाह वलीला, हाउ डिड ही सेव द इंडियन मुस्लिम फ्रॉम द पॉलिटिकल एनिहिलेशन एंड रिलीजियस डिजनरेशन, ठीक है। उसके बाद 2001 में आया है, 2016, ठीक है। अब ये कि इन टॉपिक्स को मैंने, क्योंकि 2016 वाले टॉपिक्स को मैं पीछे भी ढूंढा हुआ है, डिस्कस द सेलियंट फीचर्स एस्पेक्ट्स ऑफ शाह वलीला मूवमेंट, ठीक है, उसमें एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसमें आप देखें रिलीजियस इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट वगैरह, सोशल इम्पैक्ट को मैंने अपने एक्स्ट्रा करके लिखा है। 2010 में भी आया है, शाह वलीला रियलाइज द रेनेसेंस ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम सोसाइटी कैन बी ऑफर्ड अंटिल कैन नॉट बी अफेक्टेड अंटिल द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ मुस्लिम्स, ठीक। उसके बाद देखें मैंने थोड़ा ये खुद तोड़ा हुआ है कि इस तरीके से मुझे क्वेश्चन बनाना है, नोट्स बनानी है। तो अब इससे दूर 2000 से निकला है वो भाई जान, 2001 में दिया, फिर 2010 में दिया, 2016 में दिया, उसके बाद कभी दिया ही नहीं, मतलब आ देंगे इसकी शिफ्ट का कई मतलब दूर है। अगर रह भी गया ना क्वेश्चन तो कोई इशू नहीं, अभी 2024 आ रहा है तो शायद ही अभी क्वेश्चन आ जाए फिर, बट आप देखें 2016 के बाद नहीं आया तो नए सिलेबस में इसकी जगह कम है, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट है तो आप देखें कि अलीगढ़ मूवमेंट, इससे बाहर कभी क्वेश्चन गया ही नहीं। अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ प्योर एजुकेशनल वेंचर, तो आपने हाउ का जवाब करें, बट इट हैड अ डीप इम्पैक्ट, ये क्वेश्चन के मैंने तोड़ के लिखा। सर सैयद वाज इन नो वे अ प्रो ब्रिटिश, सर सैयद बिलीव्ड इन ट्रिनिटी ऑफ इस्लाम आइडियाज, लॉयल्टी, डिवोशन एंड अलूफनेस, डिस्कस इट्स पर्सपेक्टिव ऑफ रिफॉर्मेशन, अलीगढ़ मूवमेंट इंजेक्टेड अ न्यू लाइफ इन द डेड बॉडी ऑफ मुस्लिम नेशन एंड हेल्प्ड रीगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी, व्हाट स्पेसिफिक स्टेप्स इनिशिएटेड बाय सैयद मोहम्मद खान which later on became the agenda point of the movement for Pakistan, how did these steps orient political system in Pakistan, start with services of Sir Sayyid Ahmed Khan for regeneration of Muslim, matlab degenerate the, theek hai, to fir regenerate hue na, to is tarike ki, ab ye hai ki aapne abhi kya karna hai ki thoda main aapko Shah Wali Lal ka topic dikha deta hu, Monday wale din aapne ye do topics bana ke aana hai, शाह वलीला की टेस्ट होगी मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन
नहीं, मंडे वाले दिन आपकी शावा लीला की टेस्ट होगी, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन आपके सर सैयद अहमद खान की टेस्ट होगी। नहीं, सर सैयद की आपकी मंडे वाले दिन टेस्ट होगी और ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे, ऐसा करें मंडे वाले दिन दोनों की टेस्ट कर दिन का नहीं, एक आप अच्छा टॉपिक बनाए करके। सो तो मंडे वाले दिन आप सर सैयद अहमद खान की टेस्ट से, और ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे उन थर्सडे तक 3 दिनों में किसी भी दिन में आपकी शावा लीला की टेस्ट ले लूंगा, क्योंकि कल भी हमने क्लास लेना है, उसके लिए भी टेस्ट रखनी है, परसों भी क्लास है, तो इम्पोर्टेंट टेस्ट में पहले ही रखूंगा। ठीक है, मैं मंडे वाले दिन आपकी सर सैयद अहमद खान की टेस्ट है। अभी थोड़ा मैं आपको शाह वलीला पे कंटेंट दिखा देता हूँ, ताकि आपने वो भी किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो मैं आपको इन डिटेल नहीं बताऊंगा, बट ये कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर से दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें अगर एक एक टॉपिक हम इन डिटेल करेंगे तो फिर तो वो सेशन वाला काम हो गया ना, जो हम करेंगे नहीं। ठीक है, हम इंशाल्लाह आपको टॉपिक्स की टेस्ट लेंगे। ठीक, तो अब देखें कि शावलीला का आप अर्ली लाइफ दे दें। ठीक, बॉर्न 21 फरवरी, उसके बाद कहाँ पे हुआ, फादर कौन था, ये थोड़ा आप देख लें। ठीक है, सिद्रा क्या कह रही है, जी जी वो मैं बता देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, कुछ बाहर से भी हैं तो इनके लिए तो थोड़ी और उसकी जो है एजुकेशनल लाइफ आपने बता दी, कि आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पे इसने तैलीम वगैरह ली, कहाँ पे इसका बचपन तैलीम वाला गुजरा। ठीक है, उसके बाद जवानी कहाँ पे गुजरी, अल अरेबिया में क्या करने गए। ठीक है, एजुकेशनल इंटरनिंग सर्विसेस जो मेन क्वेश्चन था, कौन सी सर्विसेस थी, मैंने आपको कहा फ्रेज में बनाना है, ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, द ड्राइवर ऑफ यूनिफिकेशन पर्शियन लैंग्वेज में की, उसकी वर कोटेशन है क्या, ट्रांसलेटेड कुरान नॉट बिकॉज इट आर्ट टू बी ट्रांसलेटेड बट मुस्लिम्स परसीव्ड इट रॉन्ग, तो कोटेशन भी आ गई। ठीक है, तो मुसलमानों ने कुरान को गलत समझा हुआ था, मैंने इस वजह से ट्रांसलेट किया, कुरान को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। द बैलेंस रिमूवल ऑफ सेक्टेरियन कंफ्लिक्ट, उसमें बुक का जिक्र किया। ठीक है, तो रेफरेंस दिया, बैलेंस अमंग फोर स्कूल ऑफ थॉट्स, इस बुक में ये जिक्र है। अब ये मैंने पॉइंट में क्रूसेड अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म, अगेंस्ट फ्रेस में, इज़लतुल अकीफा, खिलाफतुल खुलफा, ये बुक्स हैं इसके रेफरेंसेस। प्रोमोशन ऑफ इज्तिहाद कहाँ पे किया, थ्रू बुक किया, हुज्जतुल्लाहुल बलीगा बुक में, कंजर्वेटिव्स के बारे में कहा कि इज्तिहाद नॉट गो बियॉन्ड फर्दर की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, कि वो मुजतहिद इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफे, इमाम हम्बल, ठीक है, और इमाम मालिक जो है आ गए हैं, अब वो मुजतहिद थे, अब इज्तिहाद की जरूरत नहीं है। इसने कहा नहीं, इज्तिहाद हर दौर में होना चाहिए। अब ये कुरान की वर्सेस है, इन शर्र दवाब इंदल्लाह सुम्मल बुक, के इंडीड द वर्स्ट ऑफ बीस्ट इन अल्लाह साइट आर द डीफ डम्ब हु डू नॉट एक्सरसाइज देयर रीजन, के मतलब सूरह अनफाल से हमने इसको साबित कर रहे हैं कि उसने जो इज्तिहाद के ओपन होने की बात की तो कुरान भी उसको सपोर्ट करता है, इसने अपने बुक में लिखा। ठीक है, के हाईलाइटेड द ट्रू कंसेप्शन ऑफ इस्लाम, उसमें ये सर्विसेज थी, के बताया कि खुदा जो है उस वो बड़ा रहीम करीम है। ठीक है, ऑल एम्ब्रेसिंग नेचर ऑफ इस्लाम की प्रोमोट किया, कि वो सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स सेक्टर हमारे कवर करता है, सिर्फ हमें रिलीजियस आस्पेक्ट तक नहीं महदूद करता। अदल और तवाजुन पे इसने बड़ा काम किया, कि लेक ऑफ इक्विलिब्रियम है, ग्रुप्स व्हिच हैड बीन कस्टोडियन हैड बिकम पैरासाइट्स, जिस तरीके से हम ब्यूरोक्रेसी को, सिविलियन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हैं, वही हो गई। फोरनर ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म ये कहती है कि बांट के जियो। ठीक है, हुज्जतुल्लाह अल बलीगा के बुक में कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया, कि इट एक्सप्लॉइट्स द पुअर। ठीक है, तो मेन काज ऑफ डाउनफॉल ऑफ ससानीद, जो ईरानियन वो थी डायनेस्टी थी या रोमन एम्पायर, के अमीर लोग वहाँ उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। प्रोमोटेड इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन एंड पीसफुल चेंज, लोगों में तालीम के थ्रू इन्होंने चेंज आने लाने की कोशिश की। आइडियल्स ऑफ सोसाइटी को प्रोमोट किया, ठीक है, उसमें
सोशल प्रोग्रेस किस तरीके से हासिल होगी, एंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन मोरल कोड, ठीक, इंडिविजुअल्स मोरल से डायरेक्ट इफेक्ट आर बियरिंग ऑन हेल्थ ऑफ सोसाइटी, अच्छे मोरल्स होंगे तो सोसाइटी ग्रो करेगी, तो अगर मोरल्स खत्म हो जाएंगे तो सोसाइटी डिफेक्टिव होगी, राइट्स ऑफ लेबर्स, लोअर लो टैक्सेस पे इसने काफी बातें की इकोनॉमिक आस्पेक्ट में, ठीक है, ये सोशल सर्विसेज, इससे पहले रिलीजियस सर्विसेज, ठीक है, फिर जो है पॉलिटिकल सर्विसेज में देखें, इन्होंने लेटर्स लिखे नजीबुद्दौला ऑफ बंगाल, इस पर क्रिटिसिज्म भी होती है कि इन्होंने फॉरेन इन्वेजन को प्रमोट किया, बल्कि एक इसने इस वजह से किया कि ताकि इस्लाम की सिक्योरिटी हो, अहमद शाह अब्दाली जिसको हम अच्छे तरीके से नहीं देखते, ठीक है, तो बस ये है कि उसने इनको इन्वाइट किया था, ये इसकी पॉलिटिकल आस्पेक्ट है, ठीक है, इतनी वजह से नहीं है इनकी पॉलिटिकल सर्विसेज, ठीक, और अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी मराठास के खिलाफ, ठीक, तो शाह वलीला पे ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, तो अभी आपने शाह वलीला एंड सर सैयद अहमद खान पे ये नोट्स बनाने हैं और यही आस्पेक्ट्स हैं, बट ये है कि आपने उससे पहले जो एस्पायरेंट्स हैं मेरे पास रजिस्टर जो नहीं भी हैं वो भी मुझे दिखा सकते हैं, मैं उनकी भी हेल्प कर दूंगा, इतना कोई इशू नहीं, थोड़ी बहुत तो कर देते हैं, कि आपने मुझे पहले आपने प्लान बना के देना है जो मैंने आपको बताया था कि 2016 से लेके 2023 तक जो पास पेपर्स हैं उनको देखें, उनमें से टॉपिक्स निकालें, 2015 बैकवर्ड 2000 तक उनमें से टॉपिक्स ढूंढें, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर वाइज मुझे नंबर देके आपने मुझे फिर केमिस्कैनर पे पीडीएफ करके भेजना है कि सर ये मैंने काम कर दिया, नंबर वन। दूसरा आपने काम ये करना है कि सर सैयद अहमद खान शाह वलीला लोकल बुक से बनाया, मुझे स्ट्रेट अवे पता लग जाएगा, मैं आपका जीरो मार्क्स लगा दूंगा और वो सीएसएस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा कंटेंट। और आपने ये करना है कि अच्छे बुक से, रिकमेंडेड रीडिंग से, रिसर्च पेपर से पढ़ के सर सैयद अहमद खान, मैं टॉपिक जब बता रहा हूँ कि वो मंडे वाले दिन टेस्ट होगी तो फिर भी आप लोकल बुक से पढ़ के आए, ये इकराम रबानी वगैरह के बुक का एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जो करेगा वो अपना नुकसान कराए, अगर मैं एक्सेप्ट भी करूँ कि ठीक है तो वो मुझे नुकसान नहीं होगा आपको ही होगा, कि अब ये चीजें आपने करनी है इंशाल्लाह। कल हम जो है आई थिंक जनरल साइंस का डे है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, 45 मिनट्स हम जनरल साइंस पे लगाएंगे, 45 मिनट्स हम जनरल एबिलिटी पे लगाएंगे, ताकि उन एस्पायरेंट्स का भी अच्छा हो जो जनरल साइंस में जिनको दिक्कत हो, जिनको जनरल एबिलिटी में हो रही है तो उनको भी फायदा हो। नहीं 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 भाई एमसीक्यू से निकल आओ, एमसीक्यू खुद आपने करनी है, वो मैं आपकी मेगा टेस्ट दूंगा, आप रिटन में होगी टेस्ट, ठीक है, आपने आंसर राइटिंग सीखनी है, तो ये एमसीक्यू वाला काम नहीं है। अगर आप सीएसएस 20 स्पेशल एंड सीएसएस 2024 क्राइटेरिया मैंने रखी इसीलिए कि वो एस्पायरेंट्स चाहिए तो बैठेंगे, बाकी एस्पायरेंट्स फिर बैठ गए, ठीक जी। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जल्दी में क्वेश्चन पूछे, तो या सर आप अपनी माइक ऑन करें जी, आपके पास 5 मिनट में जल्दी जल्दी 8:05 तक मुझसे क्वेश्चन पूछे, उसके बाद मेरा क्लास होगा इंग्लिश का, तो मैं उस तरफ मूव हो जाऊंगा जी। सर मेरा ये सवाल है कि अब सीएसएस स्पेशल एग्जाम में रिटन में 2 मंथ रह गए हैं, तो हमारी तैयारी ऐसे लग रहा है कि 30% है हार्डली, तो अब 2 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और मतलब क्या क्या अब 2 मंथ में करना चाहिए? आपने मॉक एग्जाम दिए, आपने मॉक एग्जाम्स वगैरह दिए हैं नहीं दिए? जितना ज्यादा हो सके मॉक एग्जाम्स दें, टेस्ट सीरीज दें, सम अप करें, रिवाइज करें, यही हो सकता है जी। जी सर डिमोटिवेशन और पता ही नहीं लगता कि क्या पढ़ा है क्या नहीं, जब लिखने बैठते हैं तो 2 पेज भी नहीं लिख सकते हार्डली, तो आपने आपने कोई फॉरेन पब्लिकेशन कभी अच्छी पढ़ी है या लोकल बुक्स ही पढ़ते रहे? ये सर जो लोकल बुक्स और नोट्स वगैरह यही, लोकल बुक्स कभी क्रिटिकल आस्पेक्ट डेवलप नहीं करते, ठीक है, तो अभी मैंने आपको सर सैयद अहमद खान के लिए क्यों कहा कि आपने वो किसी रिकमेंडेड रीडिंग से पढ़ के आए, और मैं भी इस पे रीडिंग मेरे पास है, आई होप कि मिल जाएगी मुझे, मैं शेयर कर दूंगा। अभी आप कहेंगे 2 महीने है ना, कम है, बट ये है कि अब 2 महीने है तो हम फिर भी तो कंपलसरी तो क्लियर ही कर सकते हैं ना टर्म्स जी सर, तो क्लियर हो ही जाए, इतना तभी तो हम पास पेपर पर फोकस कर रहे हैं ना,
पास्ट पेपर से गेम बैर है ही जी। सी ट्रेन डॉट पी के काइंडली, अगर आपका कोई नाम है तो बता के फिर आप बात करें। ठीक है सर सर। जी सर आवाज आ रहा है? जी सर आवाज आवाज आ आ रहा रहा है। है? जी सर अस्सलाम वालेकुम, आई होप वाह यू आर डूइंग वेल। सर एक चीज पूछ रही थी सर, जो आपने राइटिंग जो मेथड बताए थे ना, राइटिंग स्किल के जो आपने ये चीजें बताई थी, 11 11 एनलिस्ट की थी, तो ये हर सब्जेक्ट में हम कैसे प्रैक्टिस करें, हम हर मतलब हम सब हर सब्जेक्ट में किस तरह ये चीजें बनाएं और प्रैक्टिस किस तरह करें ताकि हमारे जो चीजें हैं वो स्कोर वगैरह अच्छा आए। तो ये जब आप नोट्स बनाते हैं ना अच्छे बुक से, तो उनमें ये चीजें होती हैं, ठीक है। बट बेस्ट वे आपने बताया बस सर। जी जी सर जब आप जब अच्छे आप नोट्स बनाते हैं ना, अच्छे नोट्स कहाँ से जी बनते हैं? फॉरेन पब्लिकेशन से बनते हैं। जब आप ठीक है उनसे नोट्स बनाते हैं ना, ये चीजें उनमें खुद ब खुद होती हैं, तो वो आपके जो है राइटिंग में उनकी झलक आ जाती है खुद ब खुद, ठीक है। अच्छा और दूसरा, आपने प्रैक्टिस करते हैं। आप मिसाल के तौर पे, आपको मैंने क्वेश्चन दिया सर सैयद अहमद खान के, ये मैंने दिए हैं कि ये इनमें से कोई ना कोई आएगा ना। अब आप मुझे चेक करवाएंगे आपकी चीजें नहीं होंगी, पहले बार आपके 6 मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिर आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा रिकमेंडेशन के रिकमेंडेशन साथ, के फिर साथ। आपकी 8 मार्क्स आएंगे। 6 से 16 नहीं होगा, 6 से 7 होगा, 6 से 8 होगा, 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, 6 से 16 एकदम नहीं होगा। तो ये टेस्ट सीरीज एंड मॉक एग्जाम्स एक तो खौफ खत्म खत्म करती है, करती। दूसरा आपकी मार्क्स को ऊपर लेके जाती है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? अजीर आज अपनी माइक ऑन करें। अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर सवाल था सर, सवाल ये है सर, अभी एक दो सब्जेक्ट सर कुछ रहते हैं सर उनका, और जो जो किए हुए सर जिनके नोट्स बने हुए उनकी रिपीटेशन चल रही है सर, लेकिन क्वेश्चंस को डिकोड करना या इतना सर उनके ऊपर काम नहीं किया, राइटिंग के ऊपर नहीं किया। तो कुछ जो सब्जेक्ट रह रहे हैं सर, वो यहाँ पे जो कुछ सीनियर हैं स्टूडेंट्स उनसे पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी इतना टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है स्पेशल में और एग्जाम के अंदर। तो ऐसा करो किसी अच्छे स्टूडेंट्स के नोट्स ले लो, उनको जो ना लाल रट्टा मारो, तो आपको 33 तो मिल ही जाएंगी, इतनी मिल जाएंगी। तो सर क्या किसी और के बनाए हुए नोट्स के ऊपर रिलाई करना इस टाइम में सर वो सही है या नहीं है सर? हाँ वो सही है, एक दो सब्जेक्ट की हद तक ठीक है, अब काम निकले। बट ये कि आप कहें कि मेरे छह के छह सब्जेक्ट ऑप्शनल या छह के छह कंपलसरी, 5 6 सब्जेक्ट, वो नहीं निकलता। इतने तो पंजाब यूनिवर्सिटी की कैंटीन भरी भरी है नोट से। अगर ऐसा होता तो इतने एस्पायरेंट, 20,000 एस्पायरेंट्स क्यों बैठते, और जो है फिर जो है हम क्यों कहते कि आप फॉरेन पब्लिकेशंस पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, बस नोट्स बन के आते। नोट्स वाला काम इफेक्टिव नहीं होता ना, काम निकलना, पास करना, ठीक है। हो गया तो लो मार्क्स में पास होगा, तो लोएस्ट ग्रुप मिलता है फिर, ठीक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है। अल्लाह हाफिज़ जी। बत्तावर बीवी आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन, मेरा पेपर अटेम्प्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम फॉरेन पब्लिकेशन से नोट्स बनाएं, तो एक तो मुझे ये बताएं कि जैसे जनरल साइंस एबिलिटी है जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए भी हम लोग फॉरेन पब्लिकेशन ही फॉलो करें। उनमें जब कुछ बुक्स हमारे टीचर्स ने अच्छे लिखे हैं, और कुछ अपने एतबार की वजह से, सिलेबस की वजह से इतने लंबे हैं कि वो यूनिकनेस नहीं खोते, ठीक है। अब जनरल साइंस एबिलिटी का बड़ा लंबा सा सिलेबस है, ठीक है, बट उसको भी हम, कल हमारा है तो हम उसके पेपर को स्टडी करेंगे ना। तो अब ये कि वो पता नहीं कौन सा है जो जीएस गुरु खुद को कहता है, नाम देख के याद नहीं, आप में से किसी को याद है तो माइक ऑन करके, मियाँ शफी, उसका बुक सही है, अच्छा है, आप उसको फॉलो करें। बट ये कि मैं आपको कहूँगा कि यूट्यूब पे इंडियंस ने भरमार कर दी है वीडियोस की ना, आपने समझना है सेल को, किसी और चीज को, किसी बुक पे ना जाए, वहां वीडियो पे 5 मिनट का वीडियो होता है और 5 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर, ज्यादा लंबा आपने 5 मिनट का ही, 5 मार्क्स का ही होता है ना, 20 मार्क्स के होते हैं, ए बी सी डी, 4 पार्ट्स होते हैं। तो यूट्यूब पे वीडियोस जनरल साइंस के इतने अच्छे पड़े हुए हैं विद डायग्राम्स, तो मियाँ शफीक जहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, मुश्किल है, कॉपी पेस्ट पेस्ट है, आप वहां से यूट्यूब पे करें, जनरल साइंस आपको बड़ा मजा देगा यूट्यूब पे। जी, और सर दूसरा ये कि हम एक तो मतलब टारगेट पास करना होता है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम मार्क्स उसमें हाईएस्ट लें
किसी भी सब्जेक्ट में जी, तो उसके लिए ये मैंने पूछते हैं कि मतलब ये मैंने सुना हुआ इस तरह का, ये ठीक है कि मतलब एग्जामिनर को जो है ना वो पढ़ के पेपर से इम्प्रेस होना चाहिए, और उसके लिए ये कि हम लोग अपने आंसर्स में थोड़ा एडवांस नॉलेज करें, और मतलब इस तरह करना चाहिए प्रोस्पेक्ट्स देखो ना, आप अच्छा लिखेंगी वगैरह। तो बंदा मुतासिर तो होगा, आर्गुमेंट विन करेंगी। आपने सर अच्छे का आर्गुमेंट, मतलब अच्छे का मतलब कि आपने एग्जामिनर से डिबेट करनी है और आर्गुमेंट विन करना है। आप वहां पे नहीं है, आपने अपना कंटेंट उसको बेच दिया, तो अब उसके पास जो नॉलेज है उसके साथ ये टक्कर करेगा, उसका इवेल्युएट करेगा, कहेगा यार कमाल लिखा था, आर्गुमेंट से और हेडिंग्स अच्छी हैं, सब हेडिंग्स अच्छी हैं, क्वालिटी इंफॉर्मेशन और रीसेंट इंफॉर्मेशन, जितना हो सके कोट रीसेंट इवेंट करें। अब ये बेचारी जो रिजवाना हमारी छोटी बहन है, बच्ची है, जिसके साथ सोमिया ने, जज की बीवी ने जुल्म किया, जनरल स्टडी का पेपर कर रही है, आपने सोनिया का जिक्र किया, कितनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो शो करेगी कि आप कितना क्लोजली अपनी सोसाइटी को, अपने सब्जेक्ट को वॉच कर रहे हैं। तो ये चीजें इंप्रेस करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, तो इस तरीके की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है ओके थैंक यू सर। जी रजा, आप अपनी माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पाकिस्तान अफेयर में रिकमेंडेड बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, और इसमें ज्यादातर स्कोर नहीं आता है, भावी इसमें भी ना तकरीबन जो टॉपर थे 12 नंबर 15 देखो, नंबर कभी कभी क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट हिट होता है, उसको निकाल देना, वो तो एक्सेप्शन है, जनरल ट्रेंड पे आ गए। अब ये कि कोई भी बुक आपने 100% नहीं पढ़ना होता है, ना ही उसमें 100% कंटेंट क्वालिटी होता है। एक बंदा है, उसकी स्ट्रेंथ है बस बुक कंपाइल करने के लिए, उसने बाकी टॉपिक्स पे लिख लिए ना। अब ये है कि आप देखें कौन सा टॉपिक किस बुक में है, वहां से वो टॉपिक। दूसरा, अब बुक कहाँ से है, जेड लाइब्रेरी से डाउनलोड करें, नहीं हो रहा रिसर्च पेपर फाइंड आउट करें, हर चीज यार लैपटॉप पे कंप्यूटर पे आपको मिल जाती है। जे स्टोर की आपके पास मेंबरशिप नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं है, ब्रिटिश काउंसिल अवेलेबल नहीं है, जे स्टोर को कॉपी पेस्ट करें, टाइटल को जे लाइब्रेरी में चले जाए वहां। अब 35 पेज 30 पेजेस एक एक टॉपिक पे कौन पढ़े, ये मसला है, जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा। ठीक है, अब आपको इंशाल्लाह हम सर सैयद प्रिपेयर कराएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, सर सैयद पे क्वेश्चन आएगा आप दौड़ेंगे, शाह वली लाल पे जोड़ेंगे। और सर नोट्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए? जितने एस्पेक्ट्स हैं आपने निकाले उतने होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके बनेंगे 10 या 12 पेजेस, अगर आप पास पेपर्स की हेल्प से बना रहे हैं। अगर कोई कहे कि मेरे लंबे बनते हैं, आईआर वाला कह सकता है कि रियलिज्म पे मैंने बनाया, लिबरलिज्म, वो समझ में आता, पर अगर आप इस तरीके के सब्जेक्ट्स में जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के, 10 more than 8 to 10, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर ज्यादा हो रहे हैं ना, 16 17 पेजेस, फिर तो मिट्टी में ही हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। जी कौन था, रजा था या अदनान था? अदनान आप अपनी माइक ऑन करें। सर मेरा सवाल हो टॉपिक सेगमेंटेशन के हवाले से था, कि एक सवाल है जिसमें अगर पॉलिटिकल सर्विसेज पूछी गई हैं सर सैयद की, तो उसमें 20 नंबरों के लिए सिर्फ हम उसकी चंद सर्विसेज होंगी, तो उसमें हम उस टॉपिक को सेगमेंट कैसे करेंगे? आप टॉपिक दें फिर मैं बात करूं। एग्जामिनर कभी ऐसा टॉपिक ही नहीं देता कि वो 20 मार्क्स का ना हो और आपको दे दे, मुमकिन ही नहीं है। वो एग्जामिनर है, वो पीएचडी है, और उसने वो डीन होगा किसी यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर होगा, मेरी तरह कोई सीएसएस पास करके 2 साल हुए और मेंटोरशिप करने वाला बंदा अब नहीं होता, अब मैं ही नहीं निकालूंगा, तो ऐसा टॉपिक ही नहीं देगा कि 20 मार्क्स की क्राइटेरिया पे ना हो, तो इसीलिए परेशानी ना हो, ऐसे टॉपिक आएंगे नहीं। जी सना, आप अपनी माइक ऑन करें, उसके बाद मीटिंग एंड करते हैं, अस्सलाम आई वालेकुम सर। होप दूसरे क्लास वाले आ ही गएंगे। जी वालेकुम सलाम। जी सर मुझे यो पूछना हो ता जेका नुआ खा मु किताब घुराया इन तो उवे सही है पाकिस्तान अफेयर्स के बारे वो सही है ना?
अच्छा, आप पूछ रही हैं कि वो सही हैं या नहीं है, ठीक है। मैडम क्वेश्चन पूछ रही हैं कि जो मैंने नोवा से बुक्स मंगवाए हैं वो क्या सही हैं, क्रेडिबल हैं या नहीं। अब मैं कहूँगा नहीं है तो ये भी अच्छा, वो नोवा वालों के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और मैं किसी के साथ, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं कहाँ पे, वल्ला। अब ये है कि लोकल पब्लिकेशंस नहीं, हामिद खान ने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा इल्मी से पब्लिश कराया नहीं, ऑक्सफर्ड से, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ऑक्सफर्ड हमेशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ख्याल करता है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे नहीं कि किसी, अब मैं कहूँ कि मैं अब बुक पब्लिश कराऊंगा कल इल्मी से, वल्ला करा सकता, वो जेन्युइन होगा नहीं होगा। तो अब ये है कि लोकल पब्लिकेशंस कभी भी क्वालिटी कंटेंट नहीं लिखते, वो ऐसे ही फजूल फारिग पब्लिश कर। आप जेंडर इक्वलिटी पे बुक मुझे ढूंढ के दें जो सिलेबस आपका कवर करे, आप दें, मैं आपको, मेरा ऐसे पैसे का 10,000 फी है, मैं आपको उसमें एडमिट भी करूं और फ्री में फी भी दे दूं। मुझे जेंडर इक्वलिटी, जेंडर स्टडीज पे एक बुक ढूंढ के दें लोकल पब्लिकेशन, क्योंकि हमारा सिलेबस लोकल पब्लिकेशन पे बनाया है और कोई बुक ही नहीं है, तो आप इनके चक्करों में ना आए। हाँ, नोट्स आपको जरूर मिल सकते हैं उन होनहार अच्छे बेहतरीन मेहनती एस्पायरेंट्स के, जो दुनिया के बुक्स, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स पाकिस्तान की पढ़ के जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे, वो उनकी अकेडमियों के साथ जमती नहीं थी। ओके गाइस, जी 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 पूछो। आप बुक जी, तो फिर आप जो बुक बोल रहे हैं तो फिर वो बेच दीजिएगा ग्रुप में। कौन सा, किस चीज का? जनरल स्टडीज का मेरे पास नहीं है, मुझे भी नहीं मिलता सर। पाकिस्तान अफेयर्स का? हाँ, पाकिस्तान अफेयर्स के तो जी सर। आपके साथ और सर के अलावा जो है नोट्स मेकिंग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आपको आज भी नहीं आया समझ में, तो मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है 4-5 मिनट का, वो मैं आपको सेंड करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, उसके बाद आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर मुझे समझाएं कि मैंने वीडियो में क्या बात की, उसके बाद फिर आपने सही समझाया तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके आऊंगा, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा आपको, फिर आपसे वो जो होमवर्क मैंने दिया है कि मुझे नंबर दे के दें, तो फिर आपको उस होमवर्क पे लेके आऊंगा। जी जी सर। और जो बुलेट पॉइंट्स होती हैं और इसके अलावा जो होते हैं जो लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग जो होते हैं नोट्स, वो भी बनाने हैं, तो फिर मुझे कोई ऐसी मतलब के वीडियो भी नहीं मिली जिससे मैं समझ सकूं बिल्कुल, वो उसमें जाएं भी नहीं, लॉन्ग नोट्स मिल ही जाएंगे, वो आपने खुद बनाने हैं। लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स में ना जाएं, ठीक है, क्रेडिबल नोट्स में जाएं जिनकी लेंथ 8-10-12 पेजेस तक। ओके गाइस, मीटिंग को एंड करते हैं, ऑलरेडी मेरा 8 बजे क्लास शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। मैं मीटिंग एंड करता हूँ, जो एस्पायरेंट्स वो आ गए हैं इस क्लास में, अगेन वो काइंडली रिजॉइन करें।